जी अस्सलाम वालेकुम शेख वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, मेरा सवाल ये है कि ये मंडे को ना मेरे एक रिश्तेदार थे जिनका इंतकाल हो गया, तो जब उनको कब्रिस्तान लेके गए और उनको दफन कर रहे थे, तो मेरे शौहर के जो भाई है वो मतलब थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना के कि कैसे दफन करते हैं वो मेरे हस्बैंड को सेंड किए थे। हस्बैंड देखे और फिर मुझे दिखाने के लिए लेकर आए, तो मैं नहीं देखा। मैं बोली मेरा दिल बहुत कमजोर है और मैं नहीं देख सकती ये सब, तो क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं बीमार हो जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी। तो मेरे हस्बैंड ठीक है बोले नहीं दिखाए, तो मुझे क्या करना चाहिए, देखना चाहिए था या फिर नहीं देखना चाहिए था ये? देखिए, सवाल आपका ये होना चाहिए था, देखना और ना देखना तो बाद की बात है। सवाल दरअसल ये होना चाहिए कि किसी मैयत को दफन किया जा रहा है और उसकी तदफीन की फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना, क्या ये दुरुस्त तरीका है कि नहीं? ये दुरुस्त तरीका नहीं है, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। आप अव्वल तो वैसे ही फोटोग्राफी मुख्तलफ की है, गर्चे सही बात यह है कि जरूरत के वक्त तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और वीडियोग्राफी को जो कैमरे से लिया जाता है बहुत सारे उलमा ने उस तस्वीर में उसको शामिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी किसी मैयत की फोटोग्राफी करना, खास तौर से उसकी तदफीन की, कब्र के मनाजिर की फोटोग्राफी करके उसको शेयर करना, इससे क्या फायदा है? ये एक लघु काम है, तो ये मुनासिब अमल नहीं है। तो आपको उन्हें मना करना चाहिए, बजाय ये कहने के कि मेरा दिल कमजोर है मैं इसे नहीं दे सकती, आप उनको मना करना चाहिए कि ये अच्छा तरीका नहीं है कि मैयत की तदफीन की फोटोग्राफी की जाए, उसकी तशहीर की जाए, उसको फैलाया जाए। भाई उलमा ने यहां तक जिक्र किया है शेख जी, अगर कोई आपका करीबी है और उसकी तस्वीर, उसकी वफात हो गई है, उसकी तस्वीर आप रखे हुए हैं और तस्वीर को बार बार देखते हैं, तो आपकी वो यादें, पुरानी यादें जो है ताजा हो जाएंगी, आप गमगीन हो जाएंगे। और हमारी शरीयत में ये मतलूब नहीं है कि चीजों को याद करके आप गमगीन हो। जिस तरह किसी की वफात पर इंसान गमगीन होता है, बाकायदा उसे शोक मनाने के लिए इजाजत है, तो आप जब जब वो तस्वीर देखेंगे आप गमगीन होंगे। तो अगर गमगीन होने का चांस है, कोई आदमी इस तरह की के मनाजिर देख करके गमगीन हो जाता है, तो उसे देखने की भी इजाजत नहीं है। तो अब अगर किसी कब्र की फोटोग्राफी आप कर रहे हैं, तो जाहिर है जिसका वो करीबी था, वो कब्र के मनाजिर वो देखेगा, जब जब देखेगा गमगीन होगा। तो ये मुनासिब तरीका नहीं है, ये मुनासिब तरीका नहीं है कि मैयत की तदफीन हो, उसकी फोटोग्राफी की जाए, उसको नशर किया जाए। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि बहुत सारे लोग जो किसी के मरने के बाद उसकी तस्वीर ले लेकर के उसको नशर करते हैं, अभी आए दिन हम व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इस तरह के मनाजिर देखते रहते हैं। बल्कि बहुत सारे लोग तो यहां तक करते हैं कि कोई हादसा हो गया, लाश इतनी बिगड़ी हुई है कि देखने के काबिल नहीं है, उसकी तस्वीरें लेकर के भी लोग नशर करते हैं। तो ये मतलब कॉमन सेंस से भी एक इंसान सोचे तो ये चीज मुनासिब नहीं है, चाहे जाए कि शरान मुनासिब हो। तो आप उनको मना कीजिए कि अगर उन्होंने तस्वीर ले लिया है तो उसको डिलीट कर दें और आइंदा इससे परहेज करें।